चाय लीजिए। अरे यार कितनी गर्म चाय दी है, ऐसा लग रहा है ग्लास में हाथ डाल दिए। क्या यार, चाय की गर्मी से डर गया? और उस समय ग्रेनेड की गर्मी कैसे झेल पाया तू? आप ताज की बात कर रहे हो ना, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। आप तो वहाँ पे लाइट ऑन करने को क्या कहा, आप तो उस दिन से मेरे पीछे पड़ गए। मजाक नहीं उड़ा रहा, पता है ना जैसे लाइट ऑन की थी कैसे शोर उठा था, बंद करो बंद करो बंद करो, और होटल की तरफ से एक ग्रेनेड आके थम करके फटा था, वो उजाला कैसे हुआ था। वाट लगी हुई थी उस दिन। ताज के सामने गेटवे ऑफ इंडिया के पास जब आज तक की टीम ने कवरेज शुरू किया, तब हालात ऐसे थे। ताज के अंदर से चारों ओर आतंकी गोलियां चला रहे थे और हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे होटल में बड़ी तादाद में आतंकवादी घुसे हुए हैं। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और उस वक्त ताज में घुसे आतंकवादियों को पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं का फोन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत? आग लगी कि नहीं लगी? अजय नहीं, आग नहीं लगी। क्यों लग रहे यार? आग की रानी, दो बंदे गए ना, हाले तक वापस ही नहीं मुड़ रहे। आकाओं से फरमान मिलते ही आतंकवादियों ने ताज के गुंबद को ब्लास्ट कर दिया। हमारा कैमरा चल रहा था, धू धू कर चल रहे ताज को आज तक पर समूचा देश देख रहा था, और कैमरे के पीछे थे हमारे कैमरामैन वैभव। आदित्य सच बताओ ना, उस रात्रि तुमने कहा था कि शॉट्स लो, उस ताज के सामने गया, पूरा ताज चल रहा था, चारों तरफ आ गया, जैसे कैमरा से शूट करने गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे लगे कि कैमरा में कुछ फॉल्ट हो गया। और जब मैं शॉट लेने गया था, ताज का वो डोम जलते हुए मैंने देखा ना, मेरे आंखों में सच में आंसू आ गए। अरे वो तो बताइए, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वालों ने आपसे क्या कहा था? सच बताना दादा, कांप रहे थे आप? अरे यार कांप तो रहा था, उन्होंने कहा मुझे कि सामने एक थैला पड़ा है, उसमें कुछ है, आप हमारी हेल्प करेंगे। कैमरे की लाइट चाहिए? कैमरे की लाइट चाहिए थी, उनके पास लाइट नहीं थी, तो मैंने सोचा यार लाइट जलाऊं तो गोली चलेगी। सच बताऊं आदि, देश की बात ना होती ना तो कतई ये कर नहीं पाता। तो उन्होंने ले गए मुझे, दिखाया वहां पे, बैग था एक पड़ा था, ऐसे लाइट ऑन थी, गोली कहीं से भी आ सकती थी, लाइट ऑन की, वो बक्से को शूट किया, लैपटॉप का बैग पड़ा था, शूट करके उन्होंने दिखा दिया ये पड़ा है। उसके बाद मैं बताता हूँ, आपने वो आरडीएक्स नहीं दिखाया होता ना तो डिफ्यूज नहीं हो पाता, अगर वो फट जाता तो चारों तरफ सिर्फ कहर होता।